इसराइल दी बरबरीयत जुल्म जुल्म दा नंगा नाच पूरी दुनिया वेख रही है। मैं कोई किसे दी वकालत नहीं करनी, हां मैं अपने आलम इस्लाम दी वकालत जरूर करनी है। आखण दी मजमा जैसा होवे, लोग जैसे होवे, बात हकदी करदा, कोई किसी एजेंसी का बंदा नहीं। मैं कायम आले मोहम्मद दी एजेंसी का बंदा हां। तबलीग मेरी ला इलाहा इल्लल्लाह है, राह मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, मंजिल मेरी अली वलीउल्लाह। याद रखना मेरे जवानों, जमाना बदल रहा है, हालात बदल गए और अपनियां जिम्मेदारियां तो आगा होना एक मुसलमान दी अव्वल अव्वल तरजीह होनी चाहिए। जब तक असी संभलांगे नहीं, 58 इस्लामी मुमालिक मिलके अजे सोच रहे हैं करना की है, वो मार गए मुसलमाना नू। चार हजार दे करीब करीब एक मोटे मोटे अंदाजे के मुताबिक, फिर सीधी गल भी नहीं दसते मीडिया वाले, 4000 दे करीब साढ़े मुसलमान और जवान और शहीद हो चुके हैं। गजा का तकरीबन सारा इलाका जनूबी पट्टी थोड़ी जी बचा तो सारा तबाह कर दिता गया, मलबिया कितने दबे हुए अंदाजा ही नहीं। कोई पता है 3 दिन सोग का ऐलान है, पता है कौन जवाना हो, पहली दफा हर में इमाम अली बिन मूसा रिजा अलैहि सलाम ते भी काला परचम लहराया गया। इन्हां दी हिमायत इन्हां फलस्तीन दे मुसलमाना दी ढेर सारे परदे ला दिते ने इस जंग ने। ढेर सारे अल्लाह वास्ते जीने वाले थोड़ा मेरे आले पास गौर करो, आका अलैहि सलातो सलाम नाल मोहब्बत इश्क करने वाले थोड़ा गौर करो, मैं की आख रहा हूं। विलायत अली दा दम भरने वाले जरा पेड़े चाओ, तुहाडे नाल गल करना चाहना। याद रखा जवानों, इस वार ने ढेर सारे परदे जिथे साडे लातादाद मुसलमान भैणा भाइयों के नुकसान हो गए, शहादत हो गई, 84,000 हमला खवातीन है जिन्हां दे कोल महफूज मकाम नहीं है रहण वास्ते। मुसलमान वास्ते अगर हाय नहीं निकली ना मुसलमान दी, संत असी तो ढांदे ढांदे एडे ढह गए उसे भई असी तो हिकी दूनू नहीं पे बर्दाश्त करदे। शिया सुन्नी नू वेख के नहीं बर्दाश्त पे करदा, वहाबी शिया नू नहीं बर्दाश्त पे करदा, शिया दुए में संत फिरका वारियत दी जंग च पा दिता ना दुनिया। ये पूरी प्लानिंग नाल होया है, एक दिन दी कार्रवाई नहीं। दुश्मन नाकाम होया है अपने इरादियां विच, पिछले दिनां जिहड़े साडे मुल्क दे हालात खराब करन दी कोशिश कीती गई है, शिया सुन्नी फसादात करवा के फसाद करने वाले नूं नहीं पता भी ये 70 साल तो दोवे घर कट्ठे ही पे रहंदे ने। जिम्मेदारी नाल बोलिया है, दादू दीआं गल्लां नहीं, नदाद अली मजले से जमीर नाल बात है, मजमा वेखण नहीं आया जुम्मा दी इस अजीम साथ च, तुहाडे जिंदा जमीर नाल गल करना है जवानों। दिल गुरदा मन्ने तो मेरे नाल बोलिया है, मैं आके रिया अली वालों से ने च रखिया है, हालात खराब करने की कोशिश की गई है, जबकि मरने परने शिया सुनिया वहाबियां दे कट्ठे जनाजा भी पिया हुए थे, घर पहले पढ़ लेंदा है, दुआ बाद पढ़ लेंदा है, जनाजिया से भी कट्ठे, मरना परना भी कट्ठा, भाजियां जाजियां भी कट्ठिया, लेकिन इस मुल्क दे हालात मजहबी कार्ड मजहब का कार्ड खेड के इतने खराब करने की कोशिश की गई कि इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाने की पूरी पूरी तैयारी कर ली है। तो शुक्र करके अल्लाह तैन सुलझे हुए काफिरीन अदा की जाए, शुक्र अदा करके अल्लाह ने तेरे सिर उत्ते ऐसे बुजुर्गान का साया रखिया, ते या उस हस्ती का शुक्र अदा कर जेड़ा मुसीबतों तेरे बूहे वाले पास मुड़ा नहीं देता।
साडा सिर्फ जिंदगी या साडा मकसद अजादारी जितना नहीं बे आके जेडे दो चार बंदे सामने खलोते हो नो जो पढ़न हो सुन लवी लंगर करिए ते घर अजादारी दे अंदर जेड़ा राज छुपे हुए जवानों उस राज दा नाम है बेदारी। ए सारा तागूत जुड़दा पिया है जवाना है सारा तागूत जुड़दा पिया है हक एक पासे कट्ठा पिया होंदा है सऊदीया तेहरान दा एक पेज ते आना किवें नजर आ रहा है सऊदीया तेहरान दा जवानों एक एक ब्लॉक बनना और तमाम अरब ममालिक दा एक पेज ते कट्ठा होना है कैसा नजर आ रहा है जवानों ते अमरीका दा खुल के इसराइल दी हिमायत करना बल्कि लानती प्रचार कांड भी तोड़ आ गया पूरी उम्मत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाले वसल्लम दे दिल दे टुकड़े टुकड़े हो गए जद उस मलूम ने आख्या के हस्पताल उते होने वाला हमला इसराइल ने नहीं किया फलस्तीनियों ने खुद किया है। तुसी मुसलमान इस गल ते ही लगे रहया है किस पिछे खलोना है ते किस दी मजलिस मिलाद जाके बाना है दुश्मन जड़ा मजबूत कर रहा है अपने कौमी इस्लामी फरीजे नु समझ फिरके दी जंग बाद च लड़ लवी पहले कलमा बचा फिरके दी जंग बाद च लड़ लवी बल्कि मैं तादा हुण जेड़ा दौर शुरू हो रहा है अगर हदीसे मुबारका वेखिए तो उससे उस वर्ल्ड वार दी पेशीन गोई है जवानों खुदा पना देवे अग जेड़ी अज गजा दे अंदर लगी हुई है खुदा न करे मेरा शिया सुनी भाई कल तेरे घर ते भी पहुंच सकती है मेरे घर ते भी पहुंच सकती है। याद रखिया है हुण मजलसा ते मिलाद ते रैलिया विच दसण दा टाइम नहीं बे मेरा मुर्शिद कौन है हुण मैदान विच खलो के दस तेरे मुर्शिद दा नाम अपने अपने अकायद अपना अपना निजाम संभाल के रखो कोई किसे नू ना छेड़े मगर इस्लाम वास्ते अगर कुछ कर सकते हो तो करो अपनी जिम्मेदारियां अगर नहीं समझांगे निकल आओ जवानों इस फिरकावारियत दी जंग तो उत्ते आ जाओ कोई किसे नू ना छेड़े अपने अपने पीरां दे पिछे टोर ते पेड़े साबित कर पीर दा नां की है ते सारे घरां दा दावा है साडे पीर मरदे मैदान सारे ही घरां दा दावा है तुसी जितने भी जवानों ना दी मीडिया ते वेख लो प्रिंट मीडिया ते वेख लो हर घर दा दावा है साडा पीर मरदे मैदान ते जदों सारियां दे पीर मरदे मैदान है ते तू मैदान तू क्यों नसदा है जदों वेड़े नू अग लग जांदी है ना मुड़ भिराए नहीं वेखदे भई घर च मेरा कितना हिस्सा है चार भिरा एक भारे चरांदे हो मैंने चार भिरा ते जो घर नू अग लग जावे ओ नहीं वेदे पे इस घर च मेरा कितना हिस्सा है हर बाल्टी डोल घड़ा चा के अग बुझाण दी कोशिश करदा है इस्लाम दे घर नू अग लाण दी कोशिश कीती जा रही है तुहाडा रब एक है तुहाडा ला कुल्ले शायन कदीर परवरदिगार एक है तुहाडा काबा एक है तुहाडा कुरान एक है नबियां दा सुल्तान एक है ते अली दा इमाम एक है। याद रखा है जवानों फिर इस वार ने पूरी दुनिया विच तशय्यो दा सिर फिर फखर नाल बुलंद कर दिता मुद्दतां तो साडे ते होण वालियां साजिशां नाकाम हो गईयां जिहड़े सुत्ते होए खाबे गफलत ते उहनां नूं नहीं पता सी की आ करिया जिहड़े बेदार हैं उहनां नूं रूह दी खिदा दे के जा रिया। याद रखा है जिहना काफिर काफिर शिया काफिर लिख के कद्दां मुल्क दियां कालियां कर छड़ियां अज मैं उहनां दे नाल सवाल करदा पूरी दुनिया च अल्लाह दे जहान च इस कौम ने फिर साबित किया हालात जैसे भी होण जालिम नाल नहीं खलोंदे खुदा बाकी भी मुसलमानों के अकाबरीन हिम्मत देवे
वो इस्लाम दी इस बका दी जंग च इस्लाम दी इस बका दी बात च शमूलियत करें लेकिन ओना जे करनी है ओना जे करनी है शिया खलोते मैं फिर आखरिया मैं पाकिस्तानी शिया पाकिस्तान दा मुहिब्बे वतना मुल्क नाल प्यार है से मुल्क च रहना इत्थे ही कब्र बननी है बुजुर्ग भी साडे इत्थे ही दफन है नसा भी इसे मुल्क च दफन होना है पाकिस्तान साडी मां है पाकिस्तान साडी आबरू और इज्जत है थोड़े हालात गैर मुस्तहकम है लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह इस मुल्क नु इस्तेहकाम अता फरमाएगा इसके मुहाफ़िज़ां दी मौला जिंदगी दराज फरमावे लेकिन मुमलकत इस्लामिया पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक इम्तियाजी मकाम रख दिए जवाना मदद सारे भावे फलस्तीन दी करते पैन फलस्तीन दी तक पाकिस्तान दे जिस कौम का पक है भाई दुनिया सारी सन छड़ भी गई हालात हाजरा नाल क्यों ना जुड़े रहते हालात हाजरत निगार कोशिया और नहीं जेड़ा सिर्फ अपने ढिड का अपने पेट का सोचे शिया होए जेड़ा दो अखी नाल चवां पासे नजर रखे दो अखा नाल जिवें अगे वेखे उवें पिछा वेखे सियासत इलाहिया नु समझे सियासत इलाहिया नु समझे अल्लाह दी हिकमत नु समझे उस राह नु समझे पूरी दुनिया में फिर साबित हो गया जवानों पाकिस्तानी शियां दा भी सिर फखर नाल बुलंद हो गया जिस आगे च वड़न कान जे वड्डे वड्डे मुल्क सोचते पए जिन्हां दे तो वध्या मुल्कां ने इसराइल नु कबूल भी कर लिया ई इस्लाम दी बका दा सोचण ते इन्हां नूं मौका मिल गया है तो सारे रल मिल के सोचो खुदा दी कसम है अज उन्हां मौलवीआं नूं आना जिन्हां पिछले दो त्रै महीनियां विच रोज कट कट रेलिया शिया नूं आखा फलस्तीन दे मुसलमाना में शिया दी मेजोरिटी नहीं है शिया दी आबादी नहीं है लेकिन चूंकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़न वाले और सबसे बड़ी बात के मजलूम हैं 1400 साल तो साडियां मजलसा अज हक और सच साबित हो गईया ईरान दे शिया दी हिमायत ने मैं पाकिस्तानी शिया पाकिस्तान ते जान देवांगा पर पूरी दुनिया दे शिया दा सिर फखर नाल बुलंद होया हमास दी यो सुन्नी हनफी तंजीम दी मदद करके हिजबुल्ला दे जवाना ने और ईरान दी मदद ने जिस आगे च वड़न कान कोई सोच नहीं रहा उस आग दे विच खलो के अपने मुसलमान मजलूम भाइयों की अगर कोई हिमायत कर रहे तो अली वलीउल्लाह पढ़न वाले कर रहे और जवान को याद रखा है सिर फखर नाल बुलंद होया के 1400 साल तू एक कौम हमेशा जालिम की मुखालफत खलो दी हो भावे यजीद होवे ते भावे इब्राहिम हो खेड़िया जाता है जदों कोई कार्ड नहीं चलता फिर मजहब कार्ड खेड़िया जाता है भोले लोग दुनिया के हरीस लोग इस मुर्दार दे आशिक लोग इस मुर्दा दुल्हन दे जिंदा दूल्हे इस मुर्दार दुल्हन दे जिंदा निंगर कोई शय हाथ नहीं आनी बटकियां दे हाथ कोई शय नहीं आई ते आनी तेरे हाथ भी कोई शय नहीं ओ जेड़ा कलमा पढ़िया उसकी लज रख ले
جے سونے نو دل وچ بسائیے اس دی لج رکھ لے فرقہ وریت تو مبرا ہو باہر عالم اسلام واسطے سوچ ورنہ اس آگے جتے آج فلسطین دے بچے جل گئے جتے فلسطین دے 1500 بچہ ہر 15 منٹ تے اسرائیلی بچہ مار دیتا جاندہ ہے جوانوں دیاں کس نو پیاریاں نہیں پتر کس نو پیارے نہیں تھوڑا جے بخار چڑے تے لے کے بھج پوندے ہو کس نو پیارے نہیں وہ بھی اولاد دے کسے دی جوانوں جنن دفنان واسطے کفن میسر نہیں احساس مک جاوے تے قومہ مک جان دیا خدا بندے متعال عالم اسلام دی حفاظت فرماوے 1400 سال تو اسی یہ کم کر رہے ہیں جڑا آج دے بھی مسلمانوں نو توفیق نہیں ہو رہی آئی تو ٹیکنالوجی دا روجے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا دا آج روجے جوانا بات گھگان لی ہو رہی ہے سنی امریکہ جا رہی ہے بات منڈی باودین ہو رہی ہے سونی برطانیہ میں جا رہی ہے دنیا دیش کونے بات ہو رہی ہے اگلے کونے سیم ٹائم میں سونی جا رہی ہے یاد رکھ جوانا انسٹاگرام تے اناندہ قبضہ فیس بک تے اناندہ قبضہ واٹس ایپ تے اناندہ قبضہ تو تا اپنی مرضی نال مسلمان دی کسے پلیٹ فارم تے حمایت نہیں کر سکدا اسی 1400 سال تو کسے دے محتاج نہیں یا ہر گلی وچ حسین دا ذکر ہو رہا ہے ہر گلی وچ مظلوموں دی حمایت ہو رہی ہے ہر گلی دے اندر ظالم دی سرزنش ہو رہی ہے اور اج تو نہیں ہو رہی یاد رکھا ہے جوانو 1400 سال تو ہو رہی ہے اج مسلمان نہ سمجھ اپنی اولاد نو روکی ائی مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سلام دے ظہور دی ضرورت صرف شیعہ دی ضرورت نہیں اوہ کوئی چاہید ہے ایسا جیڑا جیڑی سپر طاقت کھلوتی ہوئے اس کے سامنے جھکے نہیں کیڑی زندگی دی رہے ہو جوانو وہ کس نو ہیرو بنا لیا نے اپنی زندگی دے اندر جو قائم آل محمد کی ذات سے زبان نہیں بھی کھل دی فنا نو ہیرو بنا لیا تو بقا بنا کے دل وچ وسا لیا سپریم لیڈرشپ دا نام ہے قائم آل محمد یاد رکھا ہے جوانو ضرورت زمانہ امام زمانہ اس مشکلات ظلم بربریت دا واحد حل ہجے عقل نہیں آنی مسلمان نو حدیث مبارکہ دے مطابق جب تک خون ریزی دا ایک بہت بڑا بازار نہ گرم کر دیتا جاوے کہ پکھو اڈن والا زمین تے بانا چاہے تو لاشاں دی وجہ تو زمین اتنی لک گئی ہوئے کہ پکھی نو بان دی جا نہ لبدی پئی ہوئے اور پھر اڑدا پرواز کردا کردا ہی مر جاوے تے ڈھبے بھی تو کسے لاش تے ڈھبے بکریاں دی طرح آواز دین دیو جدو اے مسلمان اپنے اپنے گھراں تو نکل کے آکھن گے اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن یاد رکھا ہے جوانو کی جلال ہونا ہے اس امام دی آمد دا
ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸੁਪਰ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਚੰਦ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਵਾਨੋ, ਕਿਨਾ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਅਲ ਅਜਲ ਦੀ ਸਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ੁਲਮੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਬਤ ਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਵਾਨੋ, ਰੁਕਨੇ ਜਵਾਨੀ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਇਮਾਮ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਕਾਇਮ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਅਲੀ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾਬ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਕਬਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਿਰ ਦੀ ਬੈਣ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤਵੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸੀ ਸਿਰਫ ਨਫਸ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ, ਖਾਹਿਸ਼ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਇਮ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹੂਰ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤਰਫਦਾਰ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਮਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਕਦ ਕਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਬੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਾਇਮ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਣੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੋਚ ਬਦਲੋ। ਸੋਚ ਬਦਲੋਗੇ ਜਵਾਨੋ ਤੋ ਅਮਲ ਬਦਲੇਗਾ, ਅਮਲ ਬਦਲੇਗਾ ਤੋ ਕਬੀਲਾ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਬੀਲਾ ਬਦਲੇਗਾ ਤੋ ਨਸਲ ਬਦਲੇਗੀ, ਨਸਲ ਬਦਲੇਗੀ ਤੋ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲੇਗਾ, ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲੇਗਾ ਤੋ ਜਵਾਨੋ ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਦੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਏ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਹੇ, ਕੁਮੈਲ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕੁਮੈਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਲੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀਆਂ ਐਨ ਲਾਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਾਹਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋਂਗੇ ਫਜਨੇ ਹੋਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਾਹਦਤ। ਵਾਹਦਤ ਬੈਨ ਅਲ ਮੁਸਲਮੀਨ, ਫਿਰਕਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰਕਾ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰਕਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਿਰਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਟੋਪੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਲੈ ਸੇ ਜਵਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਪਰ ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਦੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕਦ ਕਿੱਥੇ ਖਲਾਰਨੀ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਛੱਤ ਕਿੱਥੇ ਪਾਵਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਇਮ ਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾ, ਤੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ ਇਲਾ ਇਲੱਲਾ, ਉਸ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਪਵੇ ਤਾਂ ਛੱਤ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲੀ ਵਲੀਉੱਲਾ। ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਛੱਤ ਖਲੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਖਾਬ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ। ਹੱਕ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਅਵਲ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਅਵਲ ਵਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ,
बस मैं जो मैसेज देन आया मैं अपना पैगाम पहुंचा लिया। याद रखिया है मेरे शिया सुन्नी जवानों, किसे नहीं पूछा वहाबी हो शिया हो सुन्नी हो, सारे शुरू हो गए। जंग हो जाती है, तुरन आले तुर जाते, मरीन आले मरी जाते। जिहड़ी जंग तो बाद दी हालत होंदी है ना, ओ खुदा शाला किसे नूं ना विखावे। ते मंग दुआ शाला किसे जंग च किसे दीआं धीआं दखनी ना हो। फलस्तीन मुसलमाना दे हक जितना भी मैं बोल लगा उन्होंने दर्द के सामने मेरे दिल के जज्बात एक एक समंदर के सामने कतरे के बराबर भी नहीं। जिस दर्द की मैं राह चू लगते पे नो धियां ओ भैणा ओ मावां ओ बच्चे आ वेड़े बढ़ते हो तो पांच मिनट पुत्र धी नजर ना आवे तो सारे पांच मिनट ही पांच पांच बारे पूछ रहे हो धी कि जंग हो जाती है, मर्द भुगता जाते, मर्द दम में पेड़ लड़ना टुकड़े हो जाना, जो तो धीआं जख्मी हो जाए मरीज हस्पताल पहुंच जावे तो हौसला हो जाता है, जिथे हस्पताल से भी हमला हो जावे। मस्जिदा नु निशाना बनाया जा रहा है, जिथे पनाह लैण वाले मुसलमाना नु बम मार के मारिया जा रहा है। गैरत दीन होवे तो जवानों गल्लां होंदियां, गैरत दीन होवे गैरत इलाही कौम दी गैरत होंदी है ना, धीआं पुत्रां दी गैरत होंदी, इसे तरह दीन दी गैरत है। ए दीन दी गैरत दा कमाल है कि परचमे हक हेठ लिया के पूरी दुनिया नूं कंड करा के परचमे हक हेठ इकट्ठा होना। मेरी कोई तकरीर दा मन है नहीं, बंदूक तलवार चा के भज पवो जाना कि दे तुसा। तकरीर का मकसद है बेदारी आगाही, अपने फराइज तो आगाह होना, कम अज कम होर कुछ नहीं तो जालिम जालिम आखना ते मजलूम मजलूम आखना। आए करके रोन लिया गल बच्चिया से आई है तो चीखा निकल गई मुल्क जबान जाए। गैर मुस्लिम मुल्क ने भी आख्या इतने डॉलर में इमदाद दे रहे, उन्हें आख्या यार बच्चे मार दिते बच्चिया ने कहने जो मालूम है जो गल बाला से आ जाए तो दिल हल जाते। मुसलमाना के बाल शहीद हो ते पूरे जहान की हाय निकल गई है, जो तो नबी दिया बाला मारे तो मकसद ही बदले से फलस्तीन के हक में निकलने वाले पूरी दुनिया में जलूस हो, जालिम के खिलाफ साडा भी जरा जलूस होता है वो कसी अपने मरण वाले के हक च नहीं कटते, असि तसली में दुबार याद नहीं करते। मरण वाले के जिनांदी कोई बरसी होंदी है तो जिक्रे पाक होंदा उनांदे खत्म वाले दे, कोई औलाद कोई चार फरूक दे फल रख के दुआ मंगदी है वो बख्त वाले मरण वाले, वरना किसी को टाइम ही नहीं मर गया नु याद करन वास्ते। ए कौम तो 1400 साल तू अपने बच्चियां दा पेट कट के भी हुसैन बादशाह दी हुसैन नु चुके याद रखा है, जवानो करे मजल सा ना होवेन। सारा जहान दिखाई दे कातिल हुसैन का, जेड़े मुल्क उस जंग हिमायत उन्होंने मुल्कों के रे लिया निक क्यों उतू दे रहन आलिया बंद उस बुलबुल दी मां ने जिस नारे नमरूद आले पासे चुंझ पानी का कतरा पा के तुरिया। अमरीका विच रेलिया दुनिया का मुल केड़ा जवानों जिथे रेलिया नहीं निकलिया, साडे अजे सोच विचार है की करना है बाहर निकलना है या नहीं। बोलिया कर मजलूम दी हिमायत च बोलिया कर, फलस्तीन दे मुसलमाना दे हक च बोलन ते तैन कोई नहीं रोकेगा, सारे इदारे तैन खुद सपोर्ट और तहफ्फुज़ देंगे जवानों ते जे तो बोलन वाले ही कोई नहीं। कोई बाहर निकले तो कोई किसी कोई तहफ्फुज़ देवे ना, तो जो तो बाहर टुरन कान कोई तैयार ही कोई तहफ्फुज़ के सुन देवे
जो गलती अपनी हो तो इल्जाम इदारन किवें दिता जा सकता है। मुसलमान की बका की गल है, कोई दुनिया की सियासी गल नहीं है, ये परचम इस्लाम की बका की गल है। बाहर ना निकल सकते तो कम अज कम उन्होंने मजलूमों का एहसास जरूर करें। उन्होंने बंदियां जो आजादारी से इतराज करते उन्होंने आखना चाहना इसे फलस्तीन के मैदान खलो के जरा शाम के बाजार हुए मार मारना ही सब सही है। एक बार नहीं त्रै बार
रोन लिया कयामत दा मंजर आई औखा वेला ऐलान होया औरतां मकाना दियां छतां ते आईयां ऐलान होया पत्थर मारो अली दियां धीआं आ गईआं जिस दिन मुर्शिद दा इशारे तस्करा होयो मेरे नाल ले ऐलान हुसैन सुनिया अकबर सुनिया कासिम सुनिया और मोहम्मद सुनिया दुरैर हबीब और जाओ सईद सुनिया हर कै सुनिया पर जिवें घोड़े दी गर्दन नाल ओए मैं सदा कहवां जद खाते अलम लगे होया है कोई दस सकदा है किस दा सारे कोई दस सकदा है घोड़े दे गल नाल हाय हाय घोड़े दे गल नाल किस दा सारे ओए जेड़ा भैणा दा मान आई सैयदा दे अकबर मां जान पई आई या सैयदा या सैयदा हाय करी सैयदा दे अकबर दा बाबा देर बचया या कोई ना आए घर के रोन लिया शाम दे बाजार चौरता मकाना दिया छत्ता ते आईया कोई आदि मार कैद गुजरे वैंदे कोई आदि है मैं उन मारना है जैंदे वाल चिट्टे है कोई आदि उन मारना है जड़ी दीवार लाल जख्मी खड़ी है कितना माता मोड़ है मैं नहीं जानता है कौरा दादी है मैं उन मारना है जैंदा नाम जैनब मैं उन मारना है जड़ी बाजार च बैक टुर दी है आए करना ले आलिया दा नाम हर के सुनिया जिवें घोड़े दी गर्दा लाल तेरे मुर्शिद का सुनिया एडा तड़पिया जे रसियां खुल गईया उठे आया जिथे लाहौर आली भैन जख्मिया है कोई मातम करन आला भैन नूं आदा है खतरा विच बाजार रुकैया तय करना है भैन मुक गई शाह
जान दिफाया होण नहीं दसना मैं हां भैन गाजी दी दे अपना ना बदलाया अखा केड़ी गल सैयदा दा हर चौक ते मैं ज़ैनब हां मुंह वाला है पर्दा लुलुका के होसी क्या तैनो आलिया समे या सैयदा या सैयदा आखरी वैन ओ ना धियां दे ना जिना दी उम्र थोड़ी फलस्तीन दिया ना भैणा दे ना जिना दे भिरा मार गए आखरी बंदो ना धियां दे ना जिना नु बाबा नहीं पिया लभदा ओ ना धियां दे ना जिना दे सीने खोल गए एक औरत आदिए मार कह दी लग आज के आदिए मैं उन मारने जेंदे कन्ना चो रात पैवा सकीना दा नाम आया है रो रो के आदिए वे गाजी फिरा वे मेरी सकीना बचा फैन दे कोला के आदे जिवे शाम दे वेच आज हुक्का मंडी तई ने करबल जा फरमाओ ना बे वो पला मेरा अल्लाह फलस्तीन दे मुसलमानां नु मदद इमाम जमाना पूरे आलम इस्लाम दी ताकत फरमा अल्लाह माजल ने